वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर वालों के जितने भी स्टूडेंट हैं, ये रेवा यूनिवर्सिटी जो आपकी है, रेवा यूनिवर्सिटी का पेपर है जो एमपी में है, मध्य प्रदेश में। तो आपको मैंने एक दिन पहले मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, आपको पता है, जिसमें से केवल 10 से 12 क्वेश्चन थे। और 10 से 12 क्वेश्चन आप याद करने के बाद में, ठीक है, बॉटनी का सेकंड पेपर था, सेकंड पेपर दो से मतलब एक दिन पहले दिया था मैंने आपको, और 10 से 12 क्वेश्चन दिए थे। आप इन क्वेश्चनों को याद करके, मैंने कहा कि आप 85% प्लस लाएंगे, 85% से मैंने कहा था 85% प्लस आएगा आपको। तो वही प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए वही क्वेश्चन पेपर में आए हैं, देख लीजिए, ठीक है। और जो जो स्टूडेंट रेवा यूनिवर्सिटी से है और वो पेपर दे के आया और उसने मेरी वीडियो पहले से देखी है ना, तो वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख देना कि हाँ ये क्वेश्चन पेपर पूरा फंसा है जो सर ने बताया था, बस इतना लिख देना आपको, ठीक है, ताकि जो बच्चे और भी जो वीडियो को देखेंगे वो मोटिवेट हो जाएंगे और ठीक है, और उनको भी भरोसा हो जाएगा कि हाँ जो हम क्वेश्चन देते हैं वही पेपर में आता है। इस तरीके से आपको कमेंट में लिखना है, ओके। अब जो जो स्टूडेंट पेपर देके आए हैं रेवा यूनिवर्सिटी से, अब यहाँ ध्यान रख लीजिए, यहाँ आपको 40 नंबर का पेपर था और 13 नंबर आपको पास करने के बाद, 13 नंबर यदि आप ले आते हो, मैक्सिमम 13 नंबर ले आते हो तो आप पास हो जाते हो, यहाँ बोला गया है। यही बात की जाए, यहाँ देखो कई सेक्शन में यहाँ बांटा गया, कह रहा है तीन खंडों में, मतलब तीन खंडों में पेपर को डिवाइड किया गया है। यहाँ सबसे ए जो मतलब कि ए सेक्शन कह सकते हैं, सेक्शन ए में खंड आ होता है, इसमें हमसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की संख्या 5 है, एक नंबर के हिसाब से 5 नंबर के आपके बनेंगे ऑब्जेक्टिव। अब देख लीजिए, मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव पे बिल्कुल ही फोकस नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन हाँ जो मैंने क्वेश्चन दिए थे, जैसे यहाँ दे रखा है कोशिका झिल्ली बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है ये पूछा गया हमसे। उसके बाद में आपको दिखाता हूँ नीचे, आप देखिए अपने यहाँ तक सेक्शन नंबर एक को ऑब्जेक्टिव टाइप जो है हमारा उसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, कोशिका झिल्ली बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ऑप्शन नंबर हम बी को लॉक करेंगे, जिसने बी लगाया बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, देखो 2n+1 ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया है, 2022 का पेपर आप देख रहे हैं, जो एक दिन पहले लीक हुआ था, इस तरीके से कह सकते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन भाई आए थे जो मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, इसका जो आंसर जिसने भी लगाया है जो ट्राइसोमी बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा, प्रॉमिस ट्राइसोमी इज राइट है। उसके बाद में यहाँ देखो तीसरा क्वेश्चन है, जो प्लास्टिड कह सकते हैं वंशागति के कारण क्या होते हैं, तो यहाँ ऑप्शन नहीं मिल पाया मुझे। उसके बाद में एक चौथा क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है, अनुवंशिक प्रवाह की दिशा जो होती है वो कैसी होती है। और वहीं जो पांचवा क्वेश्चन था, पांचवा क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट रहेगा, जिसने भी दिया है, रेप्लिकेशन एंडोन्यूक्लियोजन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जो तीन क्वेश्चन यहां मैंने क्लियर बता दिए, आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब यहां मैं आपको चलता हूं यहां ऑप्शन नंबर, हम सेक्शन नंबर बी में चलते हैं। अब सेक्शन नंबर बी में हम देख लेते हैं जो लघु उत्तरी प्रश्न है, जो पांच क्वेश्चन यहां बोल रहे हैं, तीन नंबर के हिसाब से 15 नंबर के हो जाते हैं, कि आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देना है और आपको एक क्वेश्चन मतलब कह रहा है प्रत्येक इकाई का एक क्वेश्चन करना है, अथवा में दे रखे हैं 3 नंबर का एक रहेगा। अब वही मैं आपको क्वेश्चन की बात, चलो इकाई नंबर एक में देख लेते हैं। तो इकाई नंबर एक में देखो अथवा में क्वेश्चन दे रखे हैं, आप देख सकते हो, या तो आप ऊपर वाला कर सकते हो नीचे वाला। मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, कोशिका भित्ति की संरचना उसके कार्य के बारे में, पूरा क्वेश्चन फंसा है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाता है, याद रखना जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वही पेपर में आया था और बाकी कुछ नहीं आया था। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और एक हाँ, यदि आप पेपर जो मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया और आपने बुक पढ़ के गए और उसके बाद में करके आए सारा का सारा ना, तो यार एक कमेंट में जरूर लिख देना कि हाँ आपने जो सर बताया वही क्वेश्चन पेपर में आए थे, इस बात को जरूर लिख देना, मैं आपसे इतना कह रहा हूँ बस, ठीक है, बाकी कुछ नहीं मांग रहा। और जो भी आपका पेपर हुआ करे, पेपर आप सेंड करेंगे सभी लोग 77 देखो 7037327838 इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप इस पर पेपर को सेंड करेंगे, उसको आप पिक्स फोटो खींच कर भेज सकते हैं और या फिर आप मुझे इसके PDF बनाकर भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है, आप सभी लोग सेंड करेंगे प्लीज, इतना तो कर सकते हैं, मैं आपके लिए इतनी कुछ कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन जो बना था वो था कोशिका भित्ति के बारे में, ठीक है, कोशिका भित्ति संरचना उसके कार्य के बारे में। आप ये ना करना चाहते तो आप ये कर सकते थे माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, पूरा क्वेश्चन 3 नंबर का फंसा है। इकाई नंबर 2 में चले जाइए, इकाई नंबर 2 में आपको देखो प्रेफिर प्रथम अवस्था के बारे में हमसे पूछा है, ठीक है, मायोसिस के बारे में, मियोसिस के बारे में, मियोसिस के बारे में आपसे पूछा है, उसके बारे में यदि आपको ये पता नहीं है तो डीएनए की संरचना आप बता सकते हैं, बी डीएनए की संरचना यहाँ से आपसे पूछा गया है। यही बात की जाए, देखो पूरक जीन पर टिप्पणी लिखी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, यदि आपको ये पता नहीं है तो आप इसका अथवा वाला क्वेश्चन कह सकते हैं। पृथक देखो पृथककरण का जो मेंडल के हमने नियम बताए थे, मेंडल के नियम अच्छी तरीके से आप पढ़ के जाना है, मैंने आपसे बोला था कि मेंडल के नियम को रट के जाना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूरा क्वेश्चन फंसा है, 3 नंबर का ये फंस चुका है और 3 नंबर का देखो ऊपर ये फंस चुका है ये वाला, ठीक है, डीएनए वाला। अब यहाँ नीचे चलते हैं, अब देखो यहाँ देख लीजिए,
इकाई नंबर चार में यहाँ से पूछा गया जेनेटिक कोड, ये भी देखो तीन नंबर का पूरा क्वेश्चन फंसा है। यही पूरा पेपर मैंने आपको बताया था, जो क्वेश्चन बताए थे अनुलेखन के बारे में मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया था, और ये भी तीन नंबर का फंस चुका है। ध्यान से देख लीजिएगा, 15 नंबर हमारे पूरे क्लियर हो जाते हैं। अब देखो लास्ट में एक और है, ये वाला देखिए, ये हमसे पूछा गया है जो क्लोनिंग वेक्टर के बारे में आप क्या समझते हैं। क्लोनिंग वेक्टर को इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिया था, और डीएनए आप जानते हैं, यहाँ सी डीएनए लाइब्रेरी के बारे में पूछ रखा है, और ये तीन नंबर का फंसा था। लेकिन हमने आपको डीएनए बताया था, डीएनए के प्रकार बताए थे, यदि आपने पढ़े होंगे तो सब आप लिख के आए होंगे, नहीं आए तो छोड़ दीजिए, तीन नंबर कोई नहीं है। बाकी आपका 12 नंबर यहाँ क्लियर हो जाते हैं, मैं तीन नंबर यहाँ छोड़ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में देखो सारा टोटल की टोटल तो नहीं बता सकता कि ये पेपर में आ रहा है, लेकिन हाँ कुछ कम करके आपको बस इतना कहता हूँ कि 85% प्लस आपको मिलेगा देखने को। आप टॉपर बनोगे, मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। 2022 के आप टॉपर बनोगे, जो क्वेश्चन बताता हूँ वही क्वेश्चन तैयार करके जाते हो। सेक्शन नंबर सी में चले जाइए, यहाँ आपसे पूछा गया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में। अब यहाँ देखो दो प्रश्न आपको बताना है, दो प्रश्न के आंसर, प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 10 नंबर का होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन बोला गया है, साथ में क्वेश्चन को आपके सामने देखा है, थोड़ा सा धुंधला दिखता होगा, लेकिन आप क्या वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा दीजिए, मैं बोल के समझा रहा हूँ। देखो यहाँ क्या है, प्लाज्मा मेंबर मतलब प्लाज्मा झिल्ली की रासायनिक संरचना, उसके कार्य के बारे में, संगठन के बारे में आपको देख लेना है कि जो प्लाज्मा मेंबर है मतलब झिल्ली होती है उसकी संगठन कैसे है, संरचना कैसे दिखाई देती है, और वो कार्य क्या होता है, ठीक है। ये मैंने ऊपर पूरा क्वेश्चन लॉन्ग में दिया था, और एक पूरा लॉन्ग में बताया 10 नंबर का, आप देख सकते हैं। और यहाँ देखो ये जो है माइक्रोसोमल एवरेजी, इसके बारे में इंपोर्टेंट नहीं दिया था, इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद में कोशिका द्रव्य वंशागति के सिद्धांत के निवन के बारे में, ये भी मैंने आपको इंपोर्टेंट नहीं दिया था, ये भी छोड़ सकते हैं। नीचे हम जाते हैं, हमसे दो क्वेश्चन पूछा है, अब आपको बिल्कुल करके दिखाएंगे। यहाँ प्रोकैरियोट्स के जीन अनुवादक नियम के बारे में, ये भी मैंने आपको इंपोर्टेंट नहीं दिया था, तो ये भी छोड़ सकते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, लास्ट वाला क्वेश्चन है पुनर्योजन डीएनए टेक्नोलॉजी, आ गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, पूरा क्वेश्चन फंसा है, और आप देख सकते हैं ये भी 10 नंबर का। तो आप लगा सकते हैं 12 नंबर का वो, और तीन नंबर का एक दो नंबर यदि आप छोड़ के आए होंगे शॉर्ट में तो ऑब्जेक्टिव वाले, तो वो छोड़ सकते हैं, और साथ ही साथ आपको मिलता है 10 नंबर का ये। तो टोटल आपको मिल जाते हैं, देखिए 10 नंबर सॉरी 20 नंबर, क्योंकि 10 नंबर ऊपर 10 नंबर नीचे, दो क्वेश्चन है तो 20 नंबर ये आपको 32 और 35 नंबर आपको मिल जाते हैं, मतलब कि 40 में से आपको मिले हैं 35 नंबर। यदि मैं बात करूँ 40 में से 35 नंबर की, और आपको फिर मिल जाता है देखिए 350/40 से भाग करेंगे, और देखो छः चौक यहाँ लगा सकते हैं, 8 चौक 32 और 8 चौक 32 हो जाएगा, और उसके बाद में हाँ 8 चौक 32 हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा कितना, 3 हो जाएगा 30, ठीक है। और आप सत्य देखो 87 पॉइंट कुछ पॉइंट में बैठेगा यहाँ, 87 पॉइंट कुछ आपकी परसेंटेज बनेगी, यहाँ 87% कुछ पॉइंट बनेगी। इसको आपको ध्यान रखना है कि 87% आपकी आई है पेपर में, आज का पेपर जो हुआ था, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आप देते हैं, ये रेवा यूनिवर्सिटी का पेपर है, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में, हम मध्य प्रदेश में भी झंडा गाड़ रहे हैं, इस तरीके से कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन आप बताते हैं वही पेपर में आता है, बाकी कुछ नहीं आता। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको याद करते रहिए, बस कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना करना है, मेहनत आपकी, आपका सब कुछ होगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला, बस मैं आपको बता रहा हूँ। बस गाइड करने का मेरा मकसद है कि आप गाइड वो करो जो आपको पेपर में आ रहा है, वही पढ़ो, फालतू कुछ मत पढ़ो, टाइम कम है, अच्छा पढ़ो, बेहतर पढ़ो, पेपर है करीब ढंग से पढ़ो, ठीक है ना। मिलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक लिए बाय बाय दोस्तों। चलो को अभी सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता देना कि जो क्वेश्चन मैंने दिए थे वही क्वेश्चन पेपर है, बताए थे वही क्वेश्चन पेपर में आए, बस इतना बोल देना, बस कुछ नहीं लिखना कमेंट पे, ठीक है, कि सर ने जो भी बताए क्वेश्चन वही पेपर में आए हैं। आप पेपर हैकर को सब्सक्राइब करके अच्छे तरीके से पढ़िए, विश्वास करिए पेपर हैकर आपका कभी इनकार नहीं देगा, इस तरीके से कमेंट कर दीजिए अच्छी सी लाइन में, ठीक है ना। चलो को सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।